नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हिंदी पट्टी की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कमाल करती दिख रही है। यूपी से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता दिख रहा है। तमिलनाडु और केरल में पहली बार कमल खिलता नजर आ रहा है, तो वहीं हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 5 से 7 सीटें जीतती दिख रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो सकती है। पार्टी 26 से 29 सीटें जीतकर आ सकती है। इसके अलावा न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है, इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं। इसके साथ ही बीजेपी को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से भी खुशखबरी मिल सकती है। तो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और तीसरी बार लौट रही है मोदी सरकार। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी सरकार की हैट्रिक लग रही है और एनडीए को 355 से 370 सीटों का अनुमान जताया गया है। इंडिया गठबंधन को 125 से 140 सीटों का अनुमान है। तो ये एग्जिट पोल में क्या है न्यूज 18 के, वो हम आपको बता रहे हैं कि अभी फिलहाल मध्य प्रदेश की बात करें तो 26 से 29 सीटें अगर देखा जाए बीजेपी को, कांग्रेस 3 पर सिमट सकती है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शायद एक ही सीट है जिस पर कांग्रेस सिमट सकती है और 28 सीटें, जैसा कि इससे पहले के चुनाव में हुआ था 2019 की अगर हम बात करें तो 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। महज एक छिंदवाड़ा सीट थी जहां से नकुलनाथ मैदान में थे, वो उन्होंने जीत हासिल की थी। और छत्तीसगढ़ का भी कुछ यही हाल नजर आ रहा है। तो न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में बीजेपी सरकार की हैट्रिक में 2019 के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। बीजेपी को 305 से 315 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल में एनडीए सरकार की हैट्रिक और तीसरी बार मोदी सरकार, एनडीए का 355 से 370 सीट का अनुमान है, तो बीजेपी को अकेले 305 से 315 सीट का अनुमान है, इंडिया को 125 से 140 सीट का अनुमान है और कांग्रेस को 62 से 72 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 26 से 29 सीटों का अनुमान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 9 से 11 सीटों का अनुमान है। तो ये सीट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि वोट प्रतिशत क्या होंगे और कितने बढ़े कितने घटे। तो एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का बयान आ गया है, उन्होंने कहा है कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 295 सीट जीत रही है, लेकिन उससे पहले एक नजर आप इस पर भी डालिए जो ये आप देख रहे हैं न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल है। इसमें अगर पूरे देश को मिलाएं, पूरे देश की बात करें तो 355 से 370 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं और साथ ही अगर बात करें हम इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन के लिए भी आप देख लीजिए 125 से 140 और अदर्स के लिए 42 से 52 सीटें जो है अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कितने तब्दील होने वाले हैं ये आपको 4 जून को पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले आप इस पर नजर डालिए जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें तो ये है कि बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और तीसरी बार मोदी सरकार। हालांकि 400 पार का नारा काफी ज्यादा बुलंद हुआ था, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल अब तक दिखा रही है उनमें देखिए आप 355 से 370 पर जो एनडीए है वो नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन 125 से 140 और साथ ही अदर्स। अब थोड़ा मध्य प्रदेश की ओर भी आप ध्यान दे लीजिए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 26 से 29 सीटें, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 28 सीटें भी बीजेपी ला सकती है मध्य प्रदेश में और एक सीट जो है वो रह सकती है, कांग्रेस सिमट सकती है एक सीट पर। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 9 से 11 सीटें, 11 कुल विधानसभा लोकसभा की जो कुल सीटें हैं
वो 11 है छत्तीसगढ़ में, और 9 सीटें ठीक ऐसा ही लग रहा है जैसे मानो कि 2019 के चुनाव में नतीजे आए थे। अभी अनुमान भी यही दिख रहे हैं, 9 बीजेपी और 2 कांग्रेस सिमट सकती है, लेकिन वो कौन सी सीटें होंगी ये 4 जून को पता चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तो रुझानों में बल्ले बल्ले है।